नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हरियाणा में पंचायत चुनाव के पहले चरण में आज 28,575 पंच सरपंच चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। दोपहर 2 बजे तक 9 जिलों में 53% वोट डाले जा चुके हैं। पंचकुला जिला वोटिंग में 6 घंटे बाद पंचकुला सबसे आगे हो गया है। यहां 60.6% लोग वोट डाल चुके हैं। वहीं नू मेवात जिले चांदड़ाका गांव के बूथ नंबर 65 पर मतदान के दौरान जमकर पत्थर चले, इसी दौरान फायरिंग भी हुई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। जिले के SP व DC सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गए हैं। कुछ देर के लिए मतदान रुका था, लेकिन अब जिला प्रशासन की मौजूदगी में मतदान दोबारा शुरू हो गया है। वहीं कैथल जिला में कलयात में अति संवेदनशील गाँव जुलानी खेड़ा में जाली वोट को लेकर दो पक्षों में भारी पथराव हुआ। इसके बाद जुलानी खेड़ा गाँव पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। नारनौल के गांव रोपड़ सराय में भी चुनावी हिंसा हो गई। यहां सरपंच पद के लिए दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसके चलते दोनों में पथराव चले। एक दूसरे को पत्थर मारने की वजह से दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हुए हैं। इससे मतदान काफी देर तक रुका रहा। एक जख्मी की हालत गंभीर है। SP विक्रांत भूषण भारी पुलिस फोर्स लेकर और हालात काबू में कर मतदान शुरू कराया। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।